हेलो फ्रेंड्स, टेक लाइफ हिंदी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय के लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपके टाइप सी कनेक्टर के साथ आते हैं, और इसमें आप यदि आप पेन ड्राइव लगाना चाहें या अपना यूएसबी वाला माउस यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने भी अपना ये आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ, रेडमी का नोट 8 है, और यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ, ये देखिए टाइप सी का यहाँ पर यूएसबी का कनेक्टर दिखा रहा है। यदि आप देख पा रहे हो तो ये टाइप सी का यूएसबी का कनेक्टर है, और आजकल के सारे स्मार्टफोनों में इसी तरह के कनेक्टर लग के आते हैं। अब इसमें दोस्तों, यदि आप इसमें अपनी पेन ड्राइव लगाना चाहें, सपोज पेन ड्राइव है, अब इस पेन ड्राइव को इसमें लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, मैं दिखा देता हूं। पहले के यदि आप देखेंगे तो पहले इस तरह के एक ओटीजी आता था कनेक्टर, ओटीजी कनेक्टर आता था जिसके ज़रिए से आप आराम से उसमें पेन ड्राइव माउस यूज कर लेते थे। बहुत सारे फोन सेट में ओटीजी सपोर्ट था, लेकिन अब इस टाइप सी वाले जो आपका कनेक्टर आ गया है, टाइप सी का जो कनेक्टर इसमें दिखा रहा है, मैक्सिमम स्मार्टफोन में इस तरह टाइप सी का कनेक्टर आपको मिलेगा। इस टाइप सी के कनेक्टर में क्या करें जिससे आपका पेन ड्राइव भी सपोर्ट कर जाए, आपका कीबोर्ड भी सपोर्ट कर जाए, या आपका माउस सपोर्ट कर जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस टाइप सी के कनेक्टर में एक बहुत ही अच्छी एक इसमें बता रहा हूँ कि क्या आप लगाएंगे जिससे आपका पेन ड्राइव सपोर्ट कर जाए और आपका कीबोर्ड भी या आपका माउस सपोर्ट कर जाए। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास पेन ड्राइव है, अब इसको यहाँ लगाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक कनेक्टर आपको परचेज करना पड़ेगा, इस कनेक्टर का नाम है टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टर। इसको आप ऑनलाइन परचेज कर लेंगे, ऑनलाइन चाहे अमेजन से चाहे इसको फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर लीजिए। इस टाइप का ये देखिए दिखा रहा है, ये टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टर है। एक बार मैं इसको दिखा भी देता हूँ निकाल कर। ये देखिए टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टर है, इसके ज़रिए से हम इसमें पेन ड्राइव भी लगा लेंगे, और इसके ज़रिए से हम यहाँ पे इसमें माउस भी लगा लेंगे। और सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको एकदम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा क्या है कनेक्टर, ये हमारा टाइप सी टू यूएसबी का कनेक्टर है। ध्यान से देख लीजिए, टाइप सी टू यूएसबी का ये कनेक्टर है, और यहाँ पर देखिए टाइप सी का ही यहाँ पे कनेक्टिंग के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी पेन ड्राइव को सबसे पहले हम यहाँ पे पेन ड्राइव ले लेते हैं, इसको इस टाइप सी के कनेक्टर में ये लगा देते हैं। लगा दिया, अब यहाँ पर इस टाइप सी के कनेक्टर में सबसे प्लस पॉइंट होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, चाहे जैसे आप इसको इंसर्ट करा दीजिए, ये सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट करा देते हैं। टाइप सी में भी बहुत बड़ी खूबी है, चाहे वो चार्जर हो आपका टाइप सी का, और चाहे वो आपका ये जो हमने यहाँ पे कनेक्टर दिया है टाइप सी टू यूएसबी, इसको आप किसी भी ढंग से लगा देंगे, आपका कनेक्टर वर्क करेगा, आपका चार्जर वर्क करेगा। तो इसको हमने इंसर्ट करा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा ये डिटेक्ट किया कि नहीं किया। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइल मैनेजर, अब फाइल मैनेजर में हम आ जाते हैं। यहाँ पर फाइल मैनेजर में देखिए, अभी तो हमारा ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, एक बार फिर से हम बैक आते हैं, बैक आके फिर से फाइल मैनेजर खोलते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए दिखा रहा है यूएसबी स्टोरेज कनेक्टेड, मीन्स हमारा ये यूएसबी जो है एक कनेक्ट हो गया है, और कनेक्ट हो गया है। तो एक बार बैक आके हम इसको देखते हैं, और ये देखिए हमारा यहाँ पर यूएसबी स्टोरेज कनेक्टेड है। इसको हम सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, इसको टच करते ही हमारे इस यूएसबी स्टोरेज में जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। दोस्तों, ये जो कनेक्टर मैंने परचेज के लिए बताया, ये नियर अबाउट 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप चाहे अमेजन चाहे फ्लिपकार्ट या किसी भी आप साइट से इसको परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी ये चीज़ है, बहुत ही अच्छा ये आपका यूएसबी का टाइप सी पर आप एज ए ओटीजी आप इसको वर्क इसमें कर सकता है। इसमें देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ प्रैक्टिकली, आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगाए हैं और पेन ड्राइव आपका सपोर्ट कर रहा है, मीन्स जैसे आपका पहले का 5 पिन आपका ओटीजी सपोर्ट करता था 5 पिन वाला, सेम उसी तरह यहाँ टाइप सी में भी आपका
एज ए ओ टी जी ये वर्क कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आपका पेन ड्राइव सपोर्ट कर रहा है। कोई भी इसमें हम वीडियो भी चला के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये वीडियो वगैरह यहाँ पर चलने लगा है। तो ये वीडियो वगैरह चलने लगा मीन्स हमारा ये सपोर्ट कर रहा। अब हम इजेक्ट करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इसमें हम माउस ऑप्टिकल माउस भी लगा के दिखा देते हैं। अब इजेक्ट करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी डिवाइस को जो भी आप यूएसबी के ज़रिए से अटैच किए हैं डायरेक्ट उसको इजेक्ट नहीं किया जाता, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ये देखिए हमने इसको टच किया, यहाँ पर एरो बना था, इसमें इजेक्ट का ऑप्शन है, इजेक्ट यहाँ क्लिक करिए, डोंट रिमूव पहले आया, अब आप इजेक्ट कर सकते हैं। ये हम निकाल लिए और निकालने के बाद देखिए दोस्तों अब ये हमारा यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं एक माउस को लगाकर। ये देखिए हमारा ये माउस है, ऑप्टिकल माउस है, जिसमें इस साइड आप देख रहे हैं कनेक्टिंग पॉइंट जो आपको दिखा रहा है यूएसबी है। इसको हम सिंपली यहाँ इंसर्ट करा देते हैं, देखते हैं क्या है, क्या ये हमारा सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये देखिए हमने जैसे ही इंसर्ट कराया यहाँ पर माउस में हम दिखा देते हैं, लाइट जल गई, ऑप्टिकल माउस है, राइटेक्स का है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर आप दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये माउस का पॉइंटर हमारे में शो कर रहा है। ये देखिए माउस का पॉइंटर। और ये देखिए हमने यहाँ पर गूगल का फायरफॉक्स खोला, गूगल का क्रोम हमने ब्राउज़र खोला, ये खुल गया। और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक पर, ये देखिए यहाँ बैक पर भी आ गया हमारा, बैक पर भी ये बैक काम कर रहा, यहाँ से होम काम कर रहा, ये देखिए होम पर आ गए। और यहाँ मान लीजिए नेक्स्ट पेज में हमें जाना है, पकड़कर हम इसको स्क्रॉल कर दिए, इस पर आ गए हम। यहाँ पर हम फाइल मैनेजर पर दी जाएँ तो ये देखिए डबल क्लिक पर हमारा फाइल मैनेजर खुल गया। तो इस तरह दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा ये माउस भी प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और यदि आपको फिर भी किसी टॉपिक पर या इस वीडियो से रिलेटेड कोई हेल्प की आवश्यकता है तो हमें कमेंट में कमेंट अवश्य करिए। और आज की वीडियो इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।